सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, हमारे चल रहा फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 14 में, यानी 14वें अध्याय में। और हम सीख रहे थे तमाम टूल्स के बारे में, और हमने पिछले अध्याय में जो जो सीखा था हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में, और इसमें हम सीखेंगे इरेज ब्रश टूल के बारे में। एक्चुअली इरेज ब्रश टूल का यूज कहाँ पर होता है? इरेज टू ब्रश टूल का यूज होता है बैकग्राउंड चेंज करने में। बैकग्राउंड वही चेंज होगा जो आपका सिंगल कलर होगा, यानी कई स्टूडियोज का आपने देखा होगा, या फिर रखते हैं हर स्टूडियो, और रखना भी चाहिए कि आपका जो इमेज का जो बैकग्राउंड है वो, या फिर बैकग्राउंड का जो पर्दा है वो सिंगल कलर रखते हैं। सिंगल कलर रखने से क्या होता है कि वो बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें जो है बारीकी से वो चेंज हो जाता है। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लासो टूल से आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं, लेकिन ये मल्टीपल कलर के लिए होता है, और मैजिक टूल से सिंगल कलर के लिए होता है, लेकिन पूरी तरह से बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, मतलब बालों में जो कलर है वो अच्छे से रह जाता है और वो अच्छे से दिखाई देने लग जाता है, तो अच्छे से वहां पर रिमूव नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं जो है इरेज टूल के बारे में। और एक्चुअली इरेज टूल सबसे बेस्ट टूल है जो बैकग्राउंड को कटिंग के लिए या फिर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, वो पेन टूल है, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये मल्टीपल कलर के लिए। लेकिन सिंगल कलर हो तो इससे पेन टूल का काम थोड़ा लंबा चला जाता है, लेकिन सिंगल कलर हो तो आप आसानी से जो है इमेज चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड सिंपल ही, बहुत ही आसान तरीके से सिंपली। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार के लिए मैं इन लेयर्स को डिलीट करता हूँ, वापस आपको इस लेयर इन लेयर्स पर आपको लाकर बताता हूँ। सिंपली इन लेयर को डिलीट कर दीजिए, यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। आप डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर मैंने तीन इमेज ओपन कर रखी है, ये देखिए यहाँ पर न्यू फाइल है। इनको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मूविंग टूल का यूज करके इसको ड्रैग करके आप इस इमेज पर लाएंगे जैसा कि पहले था, और अब कंट्रोल माइनस से इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लीजिए इस तरह से आप इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा वाका हो रहा है, इस तरह से थोड़ा बढ़ा लीजिए और अब एंटर दे दीजिए। और जैसे आप देखेंगे ये देखिए इस तरह से आप इसको प्लस कर दीजिए, और उसके बाद में एक इमेज जो सिंपल इमेज है उसको भी ड्रैग करके उसी तरह से आप इस इमेज पे ले आइए, ये देखिए मैं लेकर आ गया। और कंट्रोल माइनस कर दीजिए, थोड़ा सा मैं फास्टली बोल रहा हूँ ताकि एक दो टूल्स ज्यादा लेकर चल सकूँ आपको के लिए, और अच्छे से जल्दी में इसे खत्म करूँ, क्योंकि और भी कोर्स है जो आपको समझाने हो और आप बोर भी ना हो, और सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो टाइम तो मैंने पहले बताया था देना पड़ेगा आपको टाइम तो। और अभी मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से इमेजेस आ चुकी हैं। इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, अच्छे समझ लेंगे, थोड़ी ज्यादा होगी इतना रख लेते हैं। और अब इरेज टूल का यूज समझने की कोशिश करते हैं। इरेज टूल का यूज एक्चुअली यहाँ पर जो आप लेयर्स विंडो में देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों इमेज दिखाई दे रहे हैं, ये आइज है इनको शो करने के लिए, इनको आप जो अनशो करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए हट चुकी, ये देखिए बैकग्राउंड दिखने लग गया और ये देखिए ट्रांसपेरेंट दिखने लग गया। लेयर्स परत के ऊपर परत है, इस लेयर मतलब ट्रांसपेरेंट के ऊपर जो बैकग्राउंड लेयर है वो है बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, जो ये वाली लेयर है वो है लेयर 1, और ये वाली जो इमेज है वो है बैकग्राउंड के ऊपर। तो एक्चुअली लेयर क्या होती है, लेयर पर वर्क करना मैंने तीसरे अध्याय में बताया था, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे तो वीडियो दोबारा देखिए, पहले लेयर्स वाली देखिए उसके बाद में ये देखें। तो यहाँ पर बीच वाले को मैं जो है रिमूव रहने देता हूँ, इसको अनश्योर रहने देता हूँ, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उस पर एक बार आ जाता हूँ, और इसको भी मैं अनशो कर लेता हूँ, और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। मैं सिंपली एल्ट बैक स्पेस की का यूज करके यहाँ पर जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली ये हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड सिलेक्टेड नहीं था, और यहाँ से अब सॉरी फिर से डिसलेक्ट हो गया है, यहाँ से बैकग्राउंड पर सिलेक्ट रखते हैं, और यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड का जो है कलर रख देते हैं एल्ट बैक स्पेस के द्वारा, ये देखिए बैकग्राउंड का लेयर कर दिया। एक्चुअली इस लेयर इसका मैंने नाम रख दिया लेयर 0, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2। तो हम इसको वापस शो कर लेते हैं, बीच वाली को अनशो रहने दीजिए। अब इरेज टूल का यूज मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपली ये इरेज टूल होता है, इसका टूल वही होता है जो ब्रश टूल का होता था, लेकिन ब्रश टूल क्या करता था, सिंपली सिर्फ वो कलर करने का काम करता था, लेकिन ये बैकग्राउंड को उठाने का काम करता था, जिस व्हाइट कलर को उठा देगा। और ये देखिए सॉरी, सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट कीजिए, ये फिर से वही प्रॉब्लम हो चुकी है, एक मिनट के लिए मैं इस पर से Ctrl Z करके इसे हटा देता हूँ, ये देखिए Ctrl Z करके, और वापस इस इमेज पर आ जाते हैं। और इस इमेज पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इरेज टूल को जो है सिलेक्ट करेंगे,
और इरेज टूल को जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपका जो बैकग्राउंड है वो दिखने लग गया है। ये देखिए बैकग्राउंड ब्लू। आप ये मत सोचिए कि यार ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर है इसलिए ब्लू कलर करता चल रहा है। नहीं, ये ब्लू कलर नहीं करता हुआ चल रहा है, यहाँ से कलर से कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ पर आप ब्लू और कलर कर दीजिए, यहाँ से देखिए ये वाला कलर रखने दीजिए, तो ये यहाँ पर ये वाला कलर नहीं करेगा, ब्लू कलर ही कर रहा है। और आप देखेंगे यार बैकग्राउंड का कलर तो गहरा है, यहाँ पर हल्का क्यों आ रहा है, तो इसका जो ये इफेक्ट डाल रहा है वो ओपेसिटी इफेक्ट डाल रही है इसके ऊपर। तो ओपेसिटी को आप 100% रहने दीजिए। ये देखिए ओपेसिटी का भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए ये देखिए ये देखिए अब जो है बिल्कुल बैकग्राउंड में मैचिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये व्हाइट कलर को उठा रहा है, मतलब बैकग्राउंड के कलर को उठा रहा है, ना कि इसके ऊपर ब्लू कलर कर रहा है, क्योंकि फॉर बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर में आप देखेंगे अलग कलर है। तो ये बैकग्राउंड है ये वाला, तो इसके नीचे जो बैकग्राउंड है वो शो कर रहा है, वैसे एक्चुअली दिखना तो ये चाहिए लेकिन हमें ये अनसीन करके रखे हैं। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये वाला बैकग्राउंड दिख रहा है ना आपको इस तरह से, तो आप इसको अनसीन करके रखते हैं अभी के लिए समझाने के लिए। और देखिए ये देखिए इस तरह से आप इसको हटा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा मोटा जो बैकग्राउंड हटाना है वह काम इससे होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये देखिए इसे हटा देते हैं हम, ये देखिए इसे हटा दिए और अपनी इमेज पर चलते हैं। और यहां से अब समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट टूल को। नेक्स्ट टूल जो है बैकग्राउंड इरेजर टूल, एक्चुअली हम इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं और ये उसी तरह से कार्य करता है जैसे पिछले टूल में मैंने बताया था कलर रिप्लेसमेंट टूल, उसकी तरह ये कार्य करेगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो इसकी सेटिंग्स तो ब्रश टूल की तरह हैं, तो इन्हें से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इसकी तो तीनों प्रॉपर्टीज आप देखेंगे जो मैंने पिछले टूल्स में बताई थी उस टूल्स की तरह है, जैसे कि कलर रिप्लेसमेंट में तीनों प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसमें भी वही तीनों प्रॉपर्टीज है। और यहाँ से आप देखेंगे इसकी हार्डनेस कर सकते, जो स्पेसिंग है वो आप ज्यादा कर लीजिए क्योंकि हमें स्पेस नहीं चाहिए। देखिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा आ रहा ना, तो आप इसे कम कर लीजिए बिल्कुल, तो इसे कम करके रखेंगे तो क्या है हम अच्छे से देख पाएंगे। और यहाँ से इसे कम कर देता हूँ मैं, बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, ये फिर भी थोड़ा हो रहा है तो जीरो ही कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से जीरो कर दिया और अब भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है लेकिन स्पेस बहुत कम है। और यहाँ पर एक्चुअली ये क्या करता है, तो ये करता है कि जो कार्य आपका कलर रिप्लेसमेंट टूल कर रहा था वही कार्य करता है, लेकिन ये देखिए आपके बालों पर वो इतना पकड़ेगा नहीं। देखिए आप पास से ऊपर जाएंगे तो ये देखिए थोड़ा बहुत चेंज करता रहेगा, बालों पर यदि आप लेकर जाएंगे तो ही जाएगा, तो आप आसानी से इस कलर चेंज कर सकते। यहाँ पर यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए ये थोड़ा सा साइड से बालों पर न जाए, थोड़ा सा साइड साइड चलेंगे तो ये उतना नहीं पकड़ेगा जितना कि वो इरेज टूल पकड़ रहा था, बैकग्राउंड इरेज टूल इतना नहीं पकड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से आप इससे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इस तरह से। चलो वापस चले जाते हैं हम इसको दूसरे प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। इससे भी अच्छा आप इससे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से सेकंड जो टूल है वो एक, ये करता क्या है कि एक जो टूल है उसको जो है एक कलर है उसको सिलेक्ट कर लेता है, उसके बाद उसी कलर पर चलता है। आप फिर चाहे कोई सा भी कलर सिलेक्ट कीजिए उसको नहीं पकड़ता है और सिर्फ एक ही कलर को यूज करता है। जैसे इसने ये कलर पकड़ लिया तो आप जैसे बालों के ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हो रहा है कि यार ब्लू कलर हो रहा है, मैंने तो कहा था कि नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। इस एक्चुअली इसका कारण है यहाँ पर जो कंटिन्यूस किया हुआ है, तो आप इसे डिसकंटिन्यूस कर देंगे तो ये नहीं पकड़ेगा। ये देखिए सॉरी यहाँ पर फिर से एक कलर पकड़ रहा है, उसका कारण यह है कि जो मैंने बताया था कलर रिप्लेसमेंट टूल में कि यहाँ पर जो ये कलर ये टूल से वो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी इसकी, तो ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे बेटर होती है। एक्चुअली इसका यूज होता है कि एक कलर को रिमूव करता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं स्पेलिंग वन, तो यहाँ से जैसे आप फोर बैकग्राउंड कलर से कलर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आके ये वाला, तो ये इस वाले कलर को रिमूव करता चलेगा। और ये देखिए बिल्कुल बारीकी से इसको रिमूव करता चलेगा और ये हेयर्स में जो है आप देखेंगे बिल्कुल नहीं जा रहा है। आप इसको लेकर नहीं जाए, लेकर जाएंगे तो चलता जाएगा। सॉरी ये डिलीट हो चुकी थी लेयर, तो ये देखिए आप देखेंगे हेयर्स में नहीं जा रहा है ना बिल्कुल, लेकिन आप इसके ऊपर लेकर चले जाते हैं इस प्लस वाले चिन्ह को तो ये बिल्कुल लेगा, लेकिन आप इसके ऊपर नहीं चले जाए, लेकर न जाए। ये देखिए ये बिल्कुल हेयर्स को बारीकी से करता हुआ चल रहा है, आपके हेयर्स के ऊपर नहीं आ रहा है। उसका कारण है क्योंकि वहां पर मैंने डिसकंटिन्यू करके रखा है। डिसकंटिन्यू का एक्चुअली यूज का क्या होता है मैंने पिछले वीडियो बताया था, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअली इसका यूज। यहाँ पर बैकग्राउंड जो है इसका रिप्लेस करता हुआ चल रहा है, ये देखिए इस तरह से।
जिस तरह से चेंज करता हुआ चल रहा है, ये देखिए आपको बैकग्राउंड जो है बारीकी से चेंज करता हुआ चल रहा है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कंट्रोल एल्ट जेड करके, इसको वापस समझने के लिए इसे हटा देते हैं एक बार के लिए। ये देखिए इसके सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने समझ ली। तीसरी प्रॉपर्टीज जो आप देखेंगे वो है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वेच। जो बैकग्राउंड में कलर होगा वो यहाँ पर जो है बैकग्राउंड को देता चलेगा। तो इसका भी यूज मैंने कलर रिप्लेसमेंट टूल में बताया, थोड़ा सा वो जरूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि एक्चुअली ये क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका यूज क्या होता है। तो एक्चुअली दोस्तों यहाँ से आप साइज जो है ऑप्शन बटन से क्लिक करके देख सकते हैं, और इसका यूज होता है कि ये आप नाम से देखेंगे कि सैम्पलिंग बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड का कलर है वो ये रिप्लेस करता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा सही प्रॉपर्टी साबित होती है वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सैम्पलिंग, क्योंकि मैंने उस कलर रिप्लेसमेंट में भी यही बताया था और अभी यही सजेशन दूंगा। और इन तीनों के बारे में हम समझते हैं। सो डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू के बारे में मैंने पहले बताया था, वही यूज यहीं पर यहाँ पर भी है इसका। ये देखिए कंटिन्यू पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बालों के ऊपर आ गया, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉरी फिर से डिलीट हो गई लेयर, कंट्रोल जेड करके फिर से ले आते हैं, और ये देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके बालों के ऊपर आ रहा है। जैसे आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो या आप इसके थोड़े से पास भी लेकर जाएंगे तो आपके बालों के नीचे से जाएगा। ये देखिए ये बालों के ऊपर नहीं है, बालों के नीचे से जा रहा है, आपको दिख रहा होगा कि शायद बालों के ऊपर आ चुका है, अब आया है बालों के ऊपर, क्योंकि मैं प्लस के चिन्ह को बालों के ऊपर लेकर आ चुका हूँ इसलिए यहाँ पर आ रहा है। चलिए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। और नेक्स्ट टूल जो है मैजिक इरेज टूल है। एक्चुअली एक कलर को पकड़ लेता है, जिस व्हाइट कलर को पकड़ लिया इसने इस व्हाइट कलर को रिमूव कर दिया, एक कलर को पकड़ लेता हो उसको रिमूव कर देता है सिंपली। यहाँ से देखिए एक कलर को रिमूव कर दिया, यदि आप यहाँ से देखेंगे यहाँ से रिमूव कर दिया, जैसे मैं बैक पे लेके जाता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर को रिमूव कर दिया। ये देखिए इतना कलर जो इसने, क्योंकि इसने चेहरे का कलर पकड़ लिया तो इसको रिमूव कर दिया इसने, जो एक बार कलर पकड़ लेता है वहां तक का इसका आसपास का एरिया ये कवर कर लेता है। अब इससे मिलता जुलता कलर कितना करेगा वो टॉलरेंस पर डिपेंड करता है कि आपने टॉलरेंस कितना रखा है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ तो आप देखेंगे अब यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता कलर भी लेता चल रहा है। इसको एक बार कंट्रोल जेड करके मैं आपको टॉलरेंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। टॉलरेंस पे मैं पहले मैं समझा चुका हूँ इसलिए कहता हूँ कि पहले वाले वीडियोस देख कर आइए। ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है, यदि आपको फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लेके देख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर 80% ले लेता हूँ और अब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा ले चुका है ये बैकग्राउंड, पूरी तरह से ले चुका है। ये देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से ये बैकग्राउंड ले चुका है। यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, इसको इस एयर को हटा सकते हैं, इस एयर को हटा सकते हैं। देखिए तो दूसरा कलर हो गया, तो इस पर थोड़ा सा वापस कंट्रोल जेड चले जाते हैं। इस तरह से आपको चला जाता है और कंटिन्यू सिंपल लेयर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका तो इतना ही यूज था। एक बार फिर से मैं इस इमेज को बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड इरेजर टूल को के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल पर आप सिंपली जाएंगे तो एक बार के लिए पहले इसे कंट्रोल जेड करके इसके सारे जो कलर्स है उसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से इसके कलर को हम लेकर चलेंगे। ये तो सॉरी ये इसके ऊपर आ चुका है, थोड़ा सा इसे वापस हटा देते हैं। और यहाँ से थोड़ा हार्डनेस का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम फिदर देते हुए चलेंगे इसमें, इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे हार्डनेस, इतना रखते हैं चलो। फिदर क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप उन वीडियोज को जरूर देखें कि फिदर एक्चुअली होता क्या है। तो फिदर को समझने के लिए आप पिछले वाली वीडियोस पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप अच्छे से उन्हें समझ पाएं। अभी तो मैं इतना ही बता रहा हूँ, आप सिंपली थोड़ा सा मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा तो आप अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो ज़्यादा ना बने इसलिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्टली आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा अच्छे से हो सकता है चेंज ना हो, लेकिन आप अच्छे से चेंज करें। देखिए थोड़ा सा बालों पर चला गया तो इसको सिंपली डिलीट कर देते हैं, सॉरी डिलीट तो लेयर हो चुकी है क्योंकि लेयर पर सिलेक्ट था, तो यहाँ पर आप देखें कंट्रोल जेड कर दीजिए तो सॉरी कंट्रोल जेड से भी जो लेयर थी डिलीट थी, तो यहाँ पर इस तरह से रहने दीजिए एक बार के लिए। आप कंट्रोल एल्ट जेड से आप इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ से फिर से चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था ना इसलिए। ये देखिए थोड़ा सा बाहर से आइए, ये देखिए ये देखिए यहाँ से आइए, थोड़ा 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 थोड़ा, ये देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया सारी की सारी इमेज और इसे यहाँ से जो है रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं।
इस तरह से आप ब्रश का साइज छोटा कर लीजिए, कि आपको थोड़ी बारीकी से करनी हो तो मान लीजिए बालों में थोड़ा सा व्हाइट रह गया, तो इसको बारीक से छोटा सा कर लेते हैं और यहाँ से इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बालों का कलर जो है रिमूव हो चुका है और कहीं पर कुछ बचा नहीं है, मेरे हिसाब से सारा रिमूव हो चुका है। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड पर ले जाकर, देखिए अच्छे से रिमूव हो चुका है बैकग्राउंड, यहाँ से इस लेयर को शो करते हैं। तो ये देखेंगे आपके सामने बेहतरीन इमेज जो है आ चुकी है। यदि आप इधर नहीं देते तो इतना अच्छी इमेज नहीं दिखती, थोड़ी मिक्सअप होती हुई आपको दिखाई देती। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर आप ओपेसिटी का यूज देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा। आप साइड में आप देखेंगे थोड़ा सा व्हाइट दिखा दे रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में इसको हमने थोड़ा जूम करके रखा था, तो ये साइड में था इसलिए इसको हम कलर नहीं कर पाए। तो आप इसे जूम ही रहने दीजिए एक बार के लिए। ये देखिए अब यहाँ पर ओपेसिटी का आपको बहुत ही मज़ेदार यूज देखेंगे। ओपेसिटी पर सिंपली हम इरेज टूल पर क्लिक करते हैं और इरेज टूल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा ओपेसिटी। इसको कम करके देखेंगे तो क्या होगा कि आपकी इमेज हल्की पड़ जाएगी। आप बैकग्राउंड में हल्की इमेज देते हैं ना, आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड अच्छी तरह से मिक्सअप करने के लिए मान ली 42 देता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ और अब इस ब्रश को इसके ऊपर हमें फेरना है। तो ये देखिए बैकग्राउंड में अच्छे से मिक्स हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। और इसको थोड़ा कम करना है तो वापस यहाँ से जाएंगे और इसको थोड़ा सा मिक्सअप कम कर देंगे, थोड़ा सा कर देंगे, ये मान ली इतना ही हमें करना है, 70% कर 65% करना है। तो आप देखेंगे इस तरह से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको आप कम करके रखें। इस तरह से आप इमेज जो है हल्की ज़्यादा डाल सकते हैं इसके अंदर, हार्डनेस वगैरह वो जो है ये देखिए मैंने पूरी खत्म कर दी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ाकर। और आप इसे ओपेसिटी और सॉरी ये ओपेसिटी को थोड़ी और कम करेंगे तो आपके सामने पूरी इमेज जो है हट जाएगी। और यहाँ से एक बार फिर से जो है लेयर आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, तो कंट्रोल एल्ट चेड कर देता हूँ और ये देखिए पूरी इमेज वापस आ गई। ओपेसिटी को जैसे आप और कम करेंगे, यहाँ पर देखिए 100% था वो, देखिए इस तरह से आप मिक्सअप कर सकते हैं। और अपने बैकग्राउंड में जो है हल्की इमेज लगाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्की इमेज डालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आपने देखा होगा आपकी इमेज एक तो क्लियर दिखा दी और पीछे थोड़ी सी हल्की इमेज डाल दी, उसमें इसका यूज होता है। बाकी आप ऑप्शन पर क्लिक करके देखिएगा, बहुत ही मजेदार मजा आने वाला है आपको इनका यूज करने में। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।